नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की ये वीडियो बनाई है हमने, BTC थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों ये। तो वीडियो को कहीं छोड़कर ना जाएं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो इसमें बताया गया है कि मुगल काल की स्थापना कैसे हुई थी और यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न भी रखे गए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं। मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई थी ये हमको डिस्क्राइब करना है। कैसे हुई थी मुगल वंश की स्थापना? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। यानी कि एक प्रश्न हमारा यह बन जाता है कि पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध था। इसके पश्चात ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। यानी कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आया था है बाबर का परिचय, देख लेते हैं क्या है बाबर, कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर कहे जाते हैं। यानी कि प्रश्न यहाँ पर भी एक बन जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। इनका शासनकाल था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था और बाबर चगताई तुर्क था। ये जो तुर्क था दोस्तों, आप देख लीजिए हर पैराग्राफ में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो छोड़ के कहीं ना जाएं, देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें। अपने पिता उमर शेख की ओर से बाबर तैमूर का वंशज था और अपनी माँ, इसकी माँ का क्या नाम था? कुतलग निशा की ओर से चंगेर खां का वंशज था। 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में यह फरगना का शासक बना। 1508 ईस्वी में इसने कंधार पर विजय प्राप्त की और इसके पुत्र हुमायूं का जन्म यहीं हुआ था। बाबर यहां पर आया था, बाबर ने कौन सी उपाधि लेना शुरू किया? तो इसने अपनी सेना में तोप शामिल की और जो पूर्व के सुल्तान थे वे मिर्जा की उपाधि देते थे। काय की उपाधि देते थे? मिर्जा की, जो पहले थे। किंतु इसने पादशाह की उपाधि लेना शुरू किया, पादशाह। बाबर वह तो सुन्नी मुसलमान था पर उसने कुछ समय के लिए शिया मत भी स्वीकार किया। तो ये शिया मत क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ईरान के शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए इसने ऐसा किया था। हमारा प्रश्न बन जाता है दोस्तों यहाँ पर, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर ने किन किन स्थानों पर विजय प्राप्त की? तो इसने विजय प्राप्त की काबुल, कंधार, समकंद, इन पर विजय प्राप्त की। प्रश्न दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे आ जाते हैं बाबर की आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा, इसकी आत्मकथा एक थी, क्या थी? बाबरनामा इसने लिखा था। और जब मैंने हिंदुस्तान विजिट किया उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासकों, 2 काफिर बादशाहों का शासन था। ये किसने कहा? बाबर ने कहा था। बाबर के अनुसार 5 मुसलमान राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा तथा बंगाल, 2 काफिर राज्य विजयनगर, मेवाड़ थे। यहाँ पर प्रश्न बन जाता है हमारा दोस्तों, पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो पानीपत की लड़ाई से पहले भारतीय क्षेत्रों पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया।
बाबर भारत खैबर दर्रे से होकर आया था, ये प्रश्न भी यहाँ पे बन जाता है। कहाँ से आया था? खैबर दर्रे से होकर भारत को आया था। और सबसे पहली बार इसने 1519 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था। बाबर के युद्ध देख लेते हैं, कौन कौन से युद्ध लड़े इसने। बाबर के चार युद्ध थे। पहला था पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में, इसे लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोदी चाचा दौलत खान ने अपने पुत्र बिलाल बल खां और बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा था। तो कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि राणा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध तुलगुमा युद्ध नीति का और तोप खाने का प्रयोग किया था। तो अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। तो यहाँ पर बन जाता हमारा ये प्रश्न। पानीपत के युद्ध के समय भारत की राजनीतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बंटी थी। इस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार के उद्देश्य से बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। बाबर की तुलगुमा नीति क्या थी? दोस्तों प्रश्न अच्छा है। तुलगुमा नीति क्या थी? इसके अंतर्गत सेनाएं तीन ओर से आक्रमण करती थी। खानवा का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध आ गया यहाँ पर। तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। फिर आता हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध में घगर बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया। मध्यकाल का यह पहला युद्ध था। जरोल थल दोनों में लड़ा गया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बाबर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी, इन्हें देख लेते हैं। यह एक थी तुझके बाबरी। बाबर की एक और रचना है तुझके बाबरी, लेकिन बाबर ने इसकी तुर्की में रचना की थी। बाबर की इस रचना को अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुर्की से फारसी में रूपांतरित करवाया। बाबर की संतानें देख लेते हैं। बाबर के चार पुत्र थे, अस्करी, कामरान, हिंदाल व एक पुत्री गुलबदन बेगम थी। प्रश्न दोस्तों बीटीसी में बन जाता है, ये चार पुत्र कौन कौन से थे। यहाँ पर आ जाता है बाबर की मृत्यु। 16 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लास्ट तक देखते रहिए, लाइक तो करना ही है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो कहाँ से शुरू होगी? हुमायूं से शुरू होगी। और आगे दोस्तों बहुविकल्प प्रश्न है, अपनी कॉपी और पेन जरूर लेना साथ में, क्योंकि मैं जो आंसर है बाद में बताऊंगा। आपको देखना है हमने हमारी कितनी तैयारी है, हमको कैसे करना है। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए अपने साथ में, हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, चार के चार ऑप्शन हैं, आंसर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत छप गया था, यानी कि 1536 की जगह 1526 ईस्वी है यहाँ पर उत्तर इसका। तो बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ इसका उत्तर है 1526 ईस्वी में, यानी कि बीच। अगला प्रश्न ले देते हैं इसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ? ऑप्शन आपके सामने चार हैं, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
चलिए आंसर बता देते हैं, पानीपत का मैदान। अगला प्रश्न है, बाबर का देहांत कब हुआ? दोस्तों अभी थ्योरी में आपको बताया गया है बाबर का देहांत कब हुआ था, 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शेर शाह ने अपने शासनकाल में लगभग कितनी सराय बनवाई? चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, एक आपको बताना है। इसका आंसर है 1700, यानी कि सी। प्रश्न नंबर 5 आ गया यहाँ पर, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूत्रों में विभाजित किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए बता देते हैं, 15। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जो अकबर के नवरत्न थे उनमें कौन कौन शामिल था? चलिए आंसर बता देते हैं, ये सभी, यानी कि राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजे, हकीम हुकुम, ये तीनों थे। इसका आंसर है ये सभी। औरंगजेब किन मुसलमानों को विरोधी था, यानी कि जो औरंगजेब था वो किन मुसलमानों का विरोधी था? ऑप्शन रखे गए हैं आपके सामने, आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है सिया। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है ये सभी। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। अकबर ने किस पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन आपके सामने ये रख दिए गए हैं, मालवा, चित्तौड़, गुजरात, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। शिवाजी था ऑप्शन रख दिए गए हैं आपके सामने, इसका आंसर है ये सभी, यानी कि कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ, महान विजेता, ये सब गुण शिवाजी में विद्यमान थे। सुमंत किसे कहा जाता है? जो पहले कहा जाता था सुमंत, तो किसे कहा जाता था सुमंत? इसका आंसर है विदेश मंत्री को कहा जाता था। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को कितने दुर्ग दिए? कितने दुर्ग दिए? 23। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रारंभ कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। पुर्तगाली नाविक भारत में किस बंदरगाह पर उतरा? तो ये कालीकट पे। भारत में डचों ने प्रवेश किया, कब किया प्रवेश? 1602 ईस्वी में किया। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1673 ईस्वी में। पुर्तगालियों को युद्ध में किसने हराया?
का आंसर है डी, इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारा यहाँ पर। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य युद्ध कब हुआ, कई बार हुआ मतलब, तो ये 3 बार हुआ। दोस्तों हम यहाँ से 5% और लेते हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। लॉर्ड वेलेजली ने वर्ष 1829 में किस भारतीय प्रथा को अवैध घोषित किया। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए हैं, देख लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इनके आंसर। 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, तो थोड़ा काम भी कर लीजिए दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर नेक्स्ट प्रश्न है, मीर जफर की मृत्यु कब हुई। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इन सभी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों ये भी बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, अभी हमें कमेंट करके बताने हैं। बिल्कुल अभी करना है दोस्तों कमेंट, बिल्कुल अभी।